पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन, ये किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, सब जानते हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, बड़े पॉलिटिशियन हैं, लेकिन इस बार इनकी छवि कुछ अलग निखर कर आई है, खासतौर पर जो पटना में बारिश हुई, भारी बारिश हुई, जल जमाव हुआ और लोग फंसे रहे इस त्रासदी में, एक एक बोतल पानी के लिए, एक एक पैकेट दूध के लिए, खाने के लिए, और इन सब के बीच पप्पू यादव ने जो काम किया, जो लोगों के पास पहुँचे, आज हम यहाँ पहुँचे हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों ने बताया कि पप्पू यादव ने कितनी मेहनत की और इस कठिन परिस्थिति में लोगों तक जो कह सकते हैं कि जीने के लिए जो ज़रूरतें होती हैं वो सामान पहुंचाया, और आज भी पप्पू यादव का राहत कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके घर अपार्टमेंट के नीचे ये पिछले 12 दिनों से इसी तरीके से सूखा भोजन की व्यवस्था है, चूड़ा गुड़ और उसके बाद बिस्किट है, उसके बाद पूड़ी सब्जी ये सब भी है। ऐसा माना जा रहा है कि पटना में खासतौर पर शहरी इलाकों में पानी तो निकल गया है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं आज भी बुरी तरह से प्रभावित हैं और कुछ शहरी इलाके भी अभी प्रभावित हैं जल जमाव की वजह से, और इसी के लिए ये सारी व्यवस्था आज चल रही है। हम मुझे पता नहीं कि सरकार की तरफ से राहत कार्य अभी चल रहा है कि खत्म हो गया, लेकिन पप्पू यादव का राहत कार्य अभी भी चल रहा है। पप्पू जी, ये जो आपने इस 12 दिनों के जो लोगों ने, पटना के लोगों ने जो त्रासदी देखी, जो किसी ने कभी उन्होंने झेला नहीं था, और उन परिस्थितियों में आप लोगों तक पहुँचे, मतलब एक भगवान के रूप में पहुँचे आप। सर, 30 साल 40 सालों से सालों भर 38-39 ज़िला लगभग बाढ़ के चपेट में रहते थे, और ये मानवीय आपदा था, कोई डिजास्टर नहीं होता था, क्योंकि नदियों को हम लोगों ने नासूर बना दिया। 2,98,000 करोड़ रुपया तो सर बांध और अस्पर पे अब फ्लड फाइटिंग के नाम पर इस 15 सालों में खर्च हुए, उस 15 साल के दौरान तो इससे कई करोड़ गुना ज़्यादा खर्च हुए। सर, नदियों की ज़िंदगी को बनानी थी और हम लोगों ने आम आदमी के लिए नदियों की ज़िंदगी को तबाह कर दिया। अब जा कर के कह रहे हैं फर्क का टूटना चाहिए, हम जब पहले कहते थे फर्क का टूटना चाहिए, पटना की ज़िंदगी ये डिजास्टर नहीं था, ये पॉलिटिकल डिजास्टर था, पॉलिटिशियन के द्वारा उत्पन्न किया हुआ डिजास्टर था सर। और पटना ये हिरन के नाभि पर इन लोगों ने तीर मारा सर। जब 38-40 ज़िला हर साल डूबे रहते थे, 2 साल पहले प्राइम मिनिस्टर आए, 5,000 रुपया का घोषणा करके गए, 2 महीना पहले बांधें टूटी, अररिया से लेकर के दरभंगा और मधुबनी का कमला टूट गया, पूरा का पूरा तबाह हो गया, गंडक टूटा, महानंदा और केहर नदी टूटी, ये तीसरे बार आया सर। अभी जो गंगा की उफान आई है खगड़िया से लेकर के छपरा और इस इलाके में, ये तीसरे बार है सर। मनिहारी अहमदाबाद तो सर नष्ट नाबूद हो गया, कोई किसान और कोई गरीब आदमी का घर तक नहीं बचा, लेकिन पटना, ये नीतीश बाबू कहते हैं सर कि अन स्टेट में सर 3 महीना से सर मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है, कोई सर शहर उसके नहीं डूबे सर, उड़ीसा में सर तूफान आई कोई शहर नहीं डूबे, केरल में इतनी बड़ी त्रासदी आई सर कोई शहर नहीं डूबा। नीतीश बाबू, पटना का ना तो मास्टर प्लान है, ना आज तक आपके पास नक्शा है किसी नगर निगम का, आप तबाह हो गए, आप कि NDRF को कोई नक्शा नहीं मिला, जबकि गूगल पर नक्शा था, NDRF वाले आपसे कहते थे कि हमको ओरिजिनल नक्शा दीजिए सर, कोई नक्शा नहीं मिली। 2009 से 2019 तक सर 9,000 करोड़ रुपया खर्चा किया गया सर। वो देखिए, वो सब बात आप बता चुके हैं और कई बार आप लाइव में भी बैठे इन सब बातों पर चर्चा, हम बात कर रहे हैं पटना में जो त्रासदी हुई, कैसे लोगों के पास पहुँचे, क्या लोगों का रिएक्शन था सर? साफ शब्दों में था सर, यहाँ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी लोग, मेरा सीधा सवाल है सर, इस बार पॉलिटिशियन ने अपने जिस चरित्र के बारे में मैं कहता रहा, चिंतन के बारे में, तरीके के बारे में, इस बार सर जिस घर में वो खुद कह रहे हैं कि मैं लाचार हूँ, मैं मजबूर हूँ, सरकार वहाँ घर में हो और लाचार हो जाए, मजबूर हो जाए, पर्दा ना खुले, और जब निकलने लगे बहन और पत्नी के साथ तो सर एक बच्चा, दो बच्चा तरस चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि अंकल मुझे बचा लो, मेरे परिवार को बचा लो, सर उन्होंने देखा तक नहीं, और जब गए हाफ पैंट पहन करके और फोटो छपी, फिर
सर किसकी बात करेंगे, जिसने 15 साल विपक्ष का नेता और 15 साल उप मुख्यमंत्री, पटना ने जदयू बीजेपी को उतना दिया जितना भगवान किसी को नहीं दे सकता है। सर ये पटना की जनता कंकरबाग और राजेंद्र नगर और पटना पाटलिपुत्रा की 70% जनता जो तरस गई पानी के लिए, उसके बच्चे दूध के लिए, उसके उसकी माँ, उसकी हमारी माँ और बहन एक आवश्यकताओं के लिए तरस गई, मच्छर एस्किटो के लिए तरस गई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यदि इस घर में भूकंप आएगा तो जब तक मैं नहीं निकालूंगा तब तक मर जाऊंगा, मंजूर है नहीं निकलूंगा। सुशील मोदी जी 30 साल आपको दिया और घुटने पर पानी में आप धरना दे करके सत्ता में आए थे, आपको शर्म नहीं हुआ? आपको आंख में पानी नहीं आया? आप वहीं पर डूब के मर नहीं गए? जब बच्चे चिल्ला रहे थे, आपके बच्चे चिल्लाते तो आप क्या करते? सिर्फ आपके लिए बीवी और बहन प्राथमिकता थी। और दोबारा आपने पैजामा का क्रीजदार फोटो छपवाया। रविशंकर जी आपका घर कहाँ था? आज तक रविशंकर जी का क्षेत्र बगल में, सर आप कह रहे हैं ग्रामीण, सर अभी भी फुलवारी शरीफ से लेकर के बाईपास का टोटल मोहल्ला में खाना पानी दूध नहीं है। सर आपको आश्चर्य होगा, जब हम गए हमारी गाड़ी जब डूब गई, खाने के लिए तरस रहे थे, रेस्क्यू जब हम कर रहे थे सर, तो प्रशासन ने बड़ी चालाकी से हमारे NDRF को वहाँ से हटा दिया। हमें ट्रैक्टर, हमें JCB, हमें लोकल नाव, पैदल कंठ भर पानी में, हमें हर लोगों तक। मैं पूछना चाहता हूँ सुशील मोदी से कि आप निकलने के बाद दोबारा आपको राजेंद्र नगर के 6 नंबर रोड जाने में परेशानी क्यों हुई? सर चलिए, आपने दियात को नहीं मदद की, आपने पड़ोसी को नहीं मदद की, आपने पड़ोसी की चिंता नहीं की। आपको राजेंद्र नगर और कंकरबाग आपके लिए मोहताज नहीं था सर? करोड़पति और बौद्धिक लोगों का वो जगह है, बिहार का माउथ वाउस है, आई वाउस है, एयर हाउस वाउस है, पूरी दुनिया यदि आज बिहार का रेस्पेक्ट कहीं है तो ऐसे ही पटना में जो इकोनॉमिकल मजबूत लोग जो बिहार का निर्माण करते हैं, ऐसे लोगों के कारण है। आप एक बोतल पानी अपने गार्ड को नहीं दे सके? सर मैं उनका गार्ड क्या बोला हमसे पता है? बोला आप फोटो नहीं छापिएगा प्लीज़, मैं हाथ जोड़ता हूँ सर, हम लोग की नौकरी चली जाएगी। हम लोग सुबह चाय पिए हैं, आज तक अभी तक खाना नहीं खाया है सर, दोनों दिन हमने खाना पहुँचाया उसके सर, एक गार्ड को सर, उनके गार्ड को सर। अच्छा, सर निकल गए थे उसके बाद? सर उसके बाद सर, सर 10 करोड़ रुपये का एक मकान मालिक था सर, सर फर्स्ट फ्लोर से कूद गया और आके पकड़ के रोने लगा हमको, और मुझसे क्या कहता है जानते हैं सर? कहता है पप्पू जी मेरे बच्चों को 1 लीटर पानी मिलेगा क्या? एक दूध हो सकता है? मेरे बच्चे ने नहीं कुछ पिया है। आप सोचिए सर, करोड़पति, हर लोग पानी के लिए तरस गए, मेंटल टॉर्चर किया इन लोगों ने सर। आप पानी नहीं निकाल सकते थे सर, हर रोड में एक बड़ा जनरेटर तो बैठा सकते थे, एक स्कूटी को तो बैठा सकते थे, आप सप्लाई वाला बिजली नहीं देते लेकिन घर की बिजली तो दे सकते थे सर। पटना में तो संभव था, शहरी क्षेत्र में सर किया जा सकता था सर। सर क्या था सर, कम से कम उससे लोगों को पानी तो मिल जाती है सर, उससे कम से कम लोगों की 2 पंखा तो जल जाता सर। कितने घंटे तक आप सर? रात भर मैं सोया नहीं, 7 दिन, 7 दिन हम बस यहाँ नीचे आते थे, लोड करते थे सर। स्टूडेंट बाहर के जो स्टूडेंट थे उनको बाहर जाने के लिए पैसे नहीं थे, मैंने उनको 100, 200, 300 रुपया जो घर जाने के लिए था उनको मैंने मदद की, इंटायर स्टूडेंट को, लगभग जितने स्टूडेंट घर गए, स्टूडेंट को वो घर जाना चाहते थे उनको रेस्क्यू किया और स्टेशन पहुंचाया, और स्टूडेंट को जितनी मदद हो सकती थी जिसने कहा उसकी पूरी मदद हुई। लेकिन जब यहाँ के लोग थे उनको पैसे की ज़रूरत नहीं थी, गरीब और मिडिल क्लास का दुकान और सब कुछ समाप्त हो गया था, जो सड़कों पर थे सब कुछ थे, उनके पास कुछ नहीं बचा था, कपड़े तक नहीं बचे थे उनकी फैमिली के पास, उसकी स्थिति इतनी बुरी थी। लेकिन जो राजेंद्र नगर कंकरबाग में लोग थे सर, जो पाटलिपुत्रा में बैंक कॉलोनी में गोला रोड में इस साइड में जो लोग थे सर, बाजार समिति की साइड तो सर नर्क है, वहाँ की बात छोड़ दीजिए, उस इलाके में पैसे भी नहीं थे, नर्क हो चुकी थी, मतलब ज़िंदगी मौत हो गया था उस इलाके की। लेकिन जो कुछ पॉश इलाका है, जो एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है,
राजेंद्र नगर कुछ मास्टर प्लान पर भी बना हुआ घर है सर, उसको पैसे की जरूरत नहीं थी सर, उसको जिंदगी बचाने की जरूरत, एक बूंद पानी की जरूरत थी सर, और वो सर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दे सकता था सर। सर चार दिन के बाद आलू सूंघ रहे हैं आप, और उसके बाद एक मंत्री कहता है कि मेरी औकात क्या है, मेरे सुनता कोई नहीं है। और सर डिप्टी सीएम एक सरकार होता है, एक सरकार वो कह रहा है कि मैं मजबूर हूँ, मैं लाचार हूँ, मुझे बचाओ। तो जो आदमी मजबूर और लाचार होगा उसको वार्ड सदस्य बनना चाहिए, और जो एक आम आदमी की आवाज़, एक बच्चे की आवाज़ ना सुन सके उसको सर जीने का राइट है, उसको वो किस फेस से सर समाज के बीच जाएंगे, हमें भी तो बताइए। जो जा रहा है जो राहत कहाँ जा रहा है, किस इलाके में सर? अभी ये जकड़ियापुर है, यारपुर है, कृष्णा निकेतन है, फुलवारी शरीफ के है, फैमनी चक है, ये सर पूरा का पूरा आकन डूबा हुआ है सर। 10-10 महला बिल्डिंग है सर। सर पटना की ये स्थिति माफियाओं ने भी कर दी ना सर। सर नेता और पदाधिकारी और माफिया मिलके सारे किसान के औने पौने जमीन चारों तरफ ले लिया, और बिना मास्टर प्लान के, बिना चीज़ों के सर उसने आम आदमी को ज़मीन बेच दिया। और ये बड़ा बड़ा अट्टालिका जो सर बन रहा है, ये क्यों बन रहा है सर? सर ये 1990 से बीजेपी का मेयर, MLA, MP, इन लोगों के इतने 6-6 करोड़ का घर, मार्केट के लिए इन लोगों के पास सर ज़मीन है, इन लोगों के बेटे की बड़ी बड़ी कंपनी है, सुशील मोदी जी से लेकर के सब लोग, इतने पैसे इन लोगों के पास आते कहाँ से? इनका तो RK सिन्हा चाह लेते तो पूरी पटना को खाना खिलाते, इनका जदयू का किंग महेंद्र चाहते तो पूरा पटना खिला सकते थे सर। सर पप्पू यादव तो पैर की धूली है इन लोगों की सर। मेरे पास तो औकात नहीं है, मैं तो एक सेवक हूँ, मुझे क्यों जरूरत पड़ी, मैं तो एक बेटे के रूप में सर मैं था। आपके पास दिल है, लेकिन ये सवाल एक जहन में आता है कि इतना राहत काज मतलब सरकार से भी आगे चला रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आप लाते हैं? सर मैं हारा हुआ आदमी हूँ, 5 साल जिसने घर नहीं देखा, हर मधेपुरा सहरसा आप भी जानते हैं सर, इससे ज़्यादा पप्पू यादव डिजास्टर आता है कोसी सीमांचल महानंदा कमला गंडक मिथिलांचल में सर, पागल होकर के इससे ज़्यादा 21 दिन तक दोनों मियाँ बीवी रात रात भर सर कोसी में बिताए हैं सर, जिंदगी दिया है सर, उसने नहीं, उसने जीने का राइट छीन लिया पप्पू यादव से सर, कुछ बचा सर? मैं जानता हूं सर अपनी जिंदगी खो दी सर, आज से नहीं, 1 साल में 7 करोड़ रुपया सर सेवा आश्रम पर जाता है, सिर्फ देश के अन लोगों पर सर। कोसी त्रासदी आई थी तो मनमोहन सिंह को 4 करोड़ रुपया बैचेक दिए थे। भुज में भूकंप आया था, एक में सर ट्रेन से 3 ट्रेन ले जाना सामान जो आवश्यक नहीं था सर, बहुत लोग वहां अरबपति लोग थे सर, लेकिन जो सेवा मैंने की वो स्पीकर ने लिख के दिया कि पप्पू ने जो सेवा किया वो अनर्थ है, वो अलग है। अभी 2 महीना पहले सर इतना बड़ा बाढ़ आया, 350 लोग मरे, चिमकी बुखार से मरे, नीतीश जी कहते हैं गर्मी थी, बाढ़ आता है तो कहते हैं नेपाल में बारिश हो गई, 2 साल पहले बाढ़ आया तो कहते हैं बांग्लादेश और बंगाल में बारिश हो गई। तो सर कोई ना कोई, किसी न किसी के भीतर इंसानियत और मानवता होगी ना सर, लोगों ने देने वाले की कमी नहीं है। यह ठीक है कि 4 दिनों तक हमने अब माँ की जमीन का पैसा लगा दिया 50 लाख रुपये, वो अलग है, वो जिंदगी अलग है सर, वो कोई मैटर नहीं है। कितना जमीन आप सर वो छोड़ दीजिए सर, पूर्णिया में जितनी जमीन थी लगभग अर्जुन भवन की जमीन बेच करके चुनाव लड़े सर पीछे में, वो तो सामने है ना सर 90 कट्ठा जमीन। अभी एयरपोर्ट हवाई अड्डा के बगल में 10 बीघा जमीन थी पूर्णिया में, उसको बेच देना पड़ा। अभी 22 कट्ठा जमीन सर माँ की थी, 10-15 दिन पहले बेचे हैं। तो वो मैटर नहीं है सर, जमीन रख के क्या करेंगे? दुनिया के लिए ना सर फर्स्ट आई देन फैमिली देन सोसाइटी है, मेरे लिए फर्स्ट सोसाइटी देन फैमिली देन आई, बिल्कुल डिफरेंट है सर। सर हम दोनों आदमी 5 बार MP, हम 1 बार MLA, 6 बार मैडम, 2 बार 7 बार रह चुके हैं। जिसको अपना घर रहने के लिए नहीं हो सर, बहन के घर में रहता हो, वहाँ भाड़ा का घर खोजते हो, हम यहाँ पर लोग मर रहे थे, हम यहाँ थे, हम वहाँ पर सेवा आश्रम तोड़ा जा रहा था, वो सवाल नहीं है। सवाल है कि मेरा बेटा जब कहता है कि पापा वहाँ एक भी बच्चे के आंसू नहीं बहने चाहिए, आप जाइए, आप वहीं रहिए। सर जब मैं यहाँ आया था 1 दिन के लिए हम आए थे, जब सरकार लाचार हो गई करने पर कुछ नहीं, ये कहाँ चले गए? RSS का मुख्यालय वहीं है सर, कहाँ चले गए RSS के मुख्यालय? आप कहते हैं हम सेवा आश्रम सबसे ज़्यादा करते,
सर यहाँ चार चार एमएलए एमपी दोनों कहाँ चला गया सर, भर छाबा पानी में रब, फोटो छपवा करके कोई नदी से गिर करके दुनिया चलती है सर, हर चीजों में राजनीति। पप्पू यादव को बेटे का फर्ज इसलिए अदा करना पड़ा कि सर लगभग सैकड़ों में सैकड़े लोगों के पास आंसू थे, मुझे लगा कि अब इससे बड़ा चीज हो क्या सकता है। सर इन लोगों ने हरीन के नाभि पर तीर मारा है दोनों आदमी, सर इसके आ लगेंगे, सर अपने को बेच देना पड़ेगा ना, मैं बेच देता सर, सब कुछ बेच देना पड़ता घर तक। पॉलिटिशियन है ना, पॉलिटिशियन है एक तरह से, तो आप ये भी जानते हैं कि पटना के जो लोगों की जिनकी आपने सेवा की उसके एवज में आपको आपकी आपके पार्टी को उनका समर्थन मिलेगा, ये भी आप नहीं सोच सर? मुझे समझ में नहीं आता भूज में कौन समर्थन मिलना था सर, जब मधेपुरा के लोगों की जिंदगी मैंने दी कोसी सीमांचल में, जब उसने घर मेरा था उसने मुझे सड़कों पर ला करके खड़ा कर दिया जात पात में, और उसके बाद दो बार दिल्ली गए सर चुनाव हारने के बाद, चिमकी बुखार में 11 दिन थे सर, 21 दिन बाढ़ में थे सर, आज तक गए नहीं हम पटना दिल्ली, और लगातार मैं दिल्ली में हूँ। जब चुनाव हारने के बाद कोई लौटा नहीं, कोई चुनाव जीतने के बाद लौटा नहीं, इसीलिए ना सर जदयू बीजेपी क्या सोची, जाएंगे कहाँ, राजेंद्र नगर में राजपूत ब्राह्मण भूमिहार लाला कैस्ट एक बनिया ये वोटर तो बीजेपी का, इसको समझ में नहीं आया सर ये बीजेपी का वोटर नहीं है, ये सर दुनिया के को संदेश देने वाला वोटर है, ये विवेकशील वोटर था, ये बेकूफ़ी कर गया, विपक्ष को लगा मेरा वोटर नहीं है मैं क्यों बाप बाप करूं, हम आराम से जब हम हाउसे में नहीं आते हैं तो हमको क्या ज़रूरत है, मेरे लिए अभी बहने ठीक है, इनको लगा मेरे लिए बहन और बीबी ठीक है, विपक्ष को जब सीमांचल और कोसी में बाढ़ आता है तो उसको लगता है जात मेरा मरेगा तो क्या होगा, वोट तो हमको दे ही देगा। कुशात राजगी में के बाद सर नीतीश कुमार पर कुर्सी चली थी याद है ना आपको, उसके बाद क्या कहा लोगों ने, वोट बाढ़ तो भगवान दया दल के, भगवान ने पानी परा दिया, नीतीश तो खिचड़ियों खिलाया, 25 क्विंटल 2 क्विंटल अनाजों दिया, 25,000 टका दे दिया था, तो चलिए ना इस बार वोट दे देते हैं, मतलब 400 रुपया टोला मित्र न्यायमित, 6,000 रुपया मास्टर का 9,000 करके नीतीश जी वोट ले लेते हैं, और उनको लगा कि इस यहाँ भी यहाँ तो नीतीश जी को खरीदने वाले लोग हैं सर, नीतीश जी और सुशील मोदी का 6,000 और 9,000 नरेंद्र मोदी जी का। तो सीमांचल और तमाम बिहार के और हिस्सों में जाते रहे हैं और मदद भी करते रहे हैं, पटना के लोगों के लिए पहला मौका था, और पटना में एक ये था कि आपका जो एक बाहुबली का एक चेहरा और ख़ासतौर पर पटना के लोग उस बारे में सोचते थे आपके बारे, लेकिन ये आपका नया रूप देखा यहाँ सर, जो दिखता है वो बिकता है, अमित शाह जी तरी पार थे जेल में थे, और जॉर्ज साहब को कह दिया कि डायनामाइट से उड़ा रहा था कांग्रेसियों ने, और जेपी को क्या बोल दिया, अंग्रेज ने भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस को क्या बोल दिया, 1 to 10 लैंडलॉर्ड में सर हम लोग एक अच्छे बड़े फैमिली में हम लोग आते हैं, तो जिसको जैसा लगा मीडिया से लेके तथाकथित जो नेता बौद्धिक लोग थे जिनको परेशानी थी बेबाक बोलने वाले ऐसे लोगों से, जो विद्रोही तेवर जिसको पसंद नहीं है, राइवल एक्सट्रीमिस्ट लोग पसंद तो बहुत नहीं होते हैं लोगों को लगभग, तो उनको बाहुबली लगा जो लगा, लेकिन ऐसे नेताओं के लिए सुशील मोदी टाइप के नेताओं के लिए और ये जो ज़मीन के दलाल और माफिया लोग हैं ऐसे लोगों के लिए वही तो कहावत है, वो जो याद है ना का पर भयभीत भयभीत हो न प्रीत बिन भय न होत प्रीत, तो सर इन लोगों के लिए सर जिसको एक ठो घर नहीं हो रहने के लिए वो भी बाहुबली, जिसको एक ठो बिजनेस ना हो सर साधारण सा, जमीन बेच बेच करके चुनाव लड़े और जमीन बेच बेच करके लोगों की मदद करे, और दोस्तों से और अपने रिश्तेदारों से कभी बहन से तो कभी रिश्तेदारों से मदद मांग करके लोगों की मदद करे, तो हम कैसा बाहुबली हैं थे वो तो बाद की चीज़ हैं, लेकिन मैं एक सेवक और एक बेटा हूँ, इसका फ़र्ज मैंने पटना में निभाया, पटना में माँ और बेटे का जो रिश्ता होता है एक रिश्ता होता है सर, मैंने वो महसूस की, एक मेरे बच्चे जिस तरह आंसू से रहते वो मैंने महसूस की सर, मैं जानता था सब कुछ जानता हूँ सर, राजनीति का मतलब दोगलाई होता है आप भी जानते हैं सर, राजनीति का मतलब सर सेवा नहीं होता है, राजनीति का मतलब आप जितना
नफरत और उन्माद पैदा कीजिएगा, वोट की राजनीति कीजिएगा। सर वोट सत्ता और सियासत की राजनीति में ही तो कंकड़बाग डूब गई सर। सर इन लोगों ने तो वही समझा लिया, पटना को जो बर्बाद किया है वोट सियासत और कुर्सी में ही तो बर्बाद किया, जाएंगे कहाँ, दोनों छोड़ दिया अपने हाल पे सर। और हम छोड़ेंगे सर, हम पीआईएल फाइल करने जा रहे हैं। 23,000 करोड़ रुपया 2019 से 9 से अभी तक खर्चा किए हैं ये सर, और 736 करोड़ रुपया सर अलग से मिला था सीवरेज के लिए 30 तक खर्चा करने के लिए, उनका पूरा खर्चा अभी हो गया 2019 में सर। और 864 करोड़ रुपया सर है बजट नगर पालिका, तो सर हम छोड़ेंगे सर। ये जो ये डिजास्टर नहीं है सर, जीते जी मार दिया है पटना के लोगों को सर। आज तक कोई कौन कह रहा है सर पानी निकल गया? सर पानी निकला, मौतें नहीं निकली हैं सर, 950 लगभग सर डेंगू हमने फ्री कर दिया, डेंगू का इलाज सर पटना में सभी जगह कैंप मैंने लगा दिया। सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? क्यों सरकार के कैंप नहीं है सर, आप जाइए। और क्यों पप्पू यादव के कैंप में सब जाने के लिए परेशान है? कहने में मुझे पप्पू यादव के कैंप में जाना, मुझे वहीं विश्वास है। क्यों पप्पू यादव को सबसे विश्वास है सर? झांसी में इनकाउंटर हुआ, सब कह रहे हैं पप्पू यादव भाई, कहीं बलात्कार होता है कहता है पप्पू यादव भाई, कहीं मॉबलिंचिंग होता है कहता है पप्पू यादव भाई। क्यों नहीं बुलाता सर नीतीश लालू और सर रामविलास और सुशील मोदी को? क्यों सर मुझे क्यों बुलाता? इसलिए कि मुझसे उम्मीद है उनकी, मुझसे विश्वास है कि पप्पू यादव आएगा तो मेरी मदद करेगा। पप्पू यादव भाषण देके नहीं जाएगा, ये भगवान की मर्जी करके नहीं जाएगा, ये नहीं कहेगा नक्षत्र और हथिया, ये नहीं कहेगा नेपाल में पानी बरस गया तो मैं क्या करूँगा। सर हम भाग और भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते अपने भगवान को, ये सर भगवान से बढ़ के है। और मैं छोड़ दिया, मेरा रिश्ता अर्जुन और कृष्ण के तरह है, सुदामा और कृष्ण के तरह है, हनुमान और राम के तरह है, मेरा रिश्ता सर राजनीति का नहीं है। क्या होगा ये बात की चीज़ें हैं सर, किसके वोट हैं सर? अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, जगन रेड्डी, क्या हुआ सर? 30 साल सर बहुत होता है सर, 15 साल नीतीश कुमार जी को मिला है सर, 15 साल सर, 15 साल फिर अकेला लड़ने की हिम्मत आज तक नीतीश कुमार जी को और बीजेपी को क्यों नहीं हुई सर? अकेला लड़े ना सर, क्यों लालू यादव को अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं है सर? क्या कारण है सर? 15 साल 30 साल वक्त दिया आपको जनता ने, आपको बिहार और बिहारी के निर्माण के लिए ना, युवाओं के निर्माण के लिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ना, कि मौत ये पल पल मार देने के लिए सर, ये मौत के सौदागर हैं ये लोग बैठे यहाँ सर। पटना में सर सब कुछ था सर, सारा पैसा था, कहाँ चले गए आनंद किशोर सर? कहाँ, क्या है ऑस्ट्रेलिया में, विदेश क्या है सर, क्या है थाईलैंड में, ये कहाँ कहाँ मालिश होता है, क्या क्यों जाता है नेता और पदाधिकारी सर? क्यों ये नौरत्न लोगों को इतना पैसा है जर्मनी में सर? एक तो यहाँ कौन पाठ पढ़ा रहा था डिजास्टर का, कौन है कौन पदाधिकारी है, एक तो कौन पदाधिकारी है ये बिजली में बैठे हुए, ये नीतीश बाबू सर IAS IPS की बात सुनने के लिए क्यों बैठे हुए हैं सर? सर वो आम जनता की बात सुने ना सर, मैं किसी भी कीमत पर सर खड़ा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया पप्पू यादव, आपने जो किया और जिस तरीके से आप कर रहे हैं वाकई काबिल तारीफ है और हम भी इसकी सराहना करते हैं सर। मैं सेवा भाव मुझे आपका है, मुझे मुझे आज तक कई बार आज तक ने बहुत सबसे अच्छी बात रही कि आपके इस पटना में जिस तरह से आपने काम किया, पटना के लोगों की आंखें खोली अपने प्रति। और सर मुझे सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है और उसमें 3-3 बार 4-4 बार लगातार आज तक हम बैठे हैं उसमें, और आज तक ने जिस कई चैनल बहुत हिम्मत के साथ किया, लेकिन आज तक ने लगातार कई बार इन चीज़ों को दुनिया को दिखाया, ये है पटना, ये है बिहार। और क्योंकि पटना के लोग पूरी दुनिया में थे सर, विदेश से लेकर के दिल्ली बम्बई से लेकर सभी जगह, और सब परेशान थे सर इसके लिए कि तब भी ये दोनों बेईमान, दोनों बेशर्म जगे नहीं सर, तब भी घर में सोए रहे। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सर इन नेताओं का चरित्र और इस नेताओं का चाल चरित्र, 1 पॉइंट को छोड़ दीजिए, 0.1 को, तो लगभग सर जो अनुकंपा पर, बैसाखी पर और दूसरों के सहारे जीता हो सर, वो इंसान की सेवा नहीं कर सकता।
और वो इंसान को इंसान नहीं समझ सकता। चलिए पप्पू यादव जी, आज तक से बात करने के लिए सर मेरा प्रणाम।